उत्तर प्रदेश रेलवे के डीआरएम मोहित चंद्र कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। इस दौरान कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और जहां जहां कमियां पाई गई वहां पर रेलवे के कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर कानपुर सेंट्रल के निदेशक आशुतोष सिंह, आरपीएफ पुलिस बल भी मौजूद रहा। डीआरएम मोहित चंद्र ने कानपुर सेंट्रल के सिटी साइट व कैंट साइट यात्रियों के लिए लग रहे एक्सीलेटर का भी निरीक्षण किया। जल्द ही रेलवे का डेवलपमेंट किया जाएगा, उसी का निरीक्षण करने आए थे। कमियां देखने के लिए नहीं आए थे। इस समय ये देखने आया है कि नया एस्केलेटर लग रहा है, वहाँ पे पैसेंजर्स कैसे उतरेंगे, उनका मूवमेंट कैसे रहेगा, गाड़ी कहाँ रुकेगी, उसके डेवलपमेंट को देखने आए थे। क्या नई तैयारियाँ हो रही हैं? नई तैयारियाँ यही हो रही है कि जो नया एस्केलेटर जल्दी से जल्दी चालू हो और पैसेंजर्स को सुविधा मिले। मॉडल के तहत स्टेशन को दिया जाना था, उसमें कोई प्रगति हुई है क्या बातचीत? नहीं, पीपी मॉडल नहीं है, स्टेशन डेवलपमेंट रेलवे कर रही है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। नया उधर होटल बनने की प्रक्रिया थी, उस पर क्या? स्टेशन बिल्डिंग बनेगी जिसमें होटल होने के भी प्लानिंग है। सर, रेलवे की लाइन है कोकरगंज में, वहाँ पे कुछ लोगों ने होटल बना कर निर्माण कर लिया है, आए दिन खबरें प्रकाशित होती है, उस पर सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? ऐसा मेरी संज्ञान में नहीं है कि कोई होटल बन गया कोकरगंज में। लैंड है, कई बार उन्होंने आईडब्ल्यू विभाग बराबर नोटिस भेजता है लेकिन उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं। हम भी होटल कोई ऐसा बना नहीं है वहाँ पे, अगर ऐसा संज्ञान में है तो फिर से जांच करा लेते हैं, अगर होगा तो हटाया जाएगा। रेलवे द्वारा सर एक साल पहले होटल स्वामी को नोटिस भेजी गई थी और रेलवे की लैंड दी गई थी लीज पर, जमीन होटल पर कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, कार्रवाई चल रही है, ऐसा नहीं है, जो भी नोटिस भेजे गए होंगे कार्रवाई चल रही होगी, लेकिन जो आप होटल की बात कर रहे हैं ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई होटल बनाया गया है, और जो भी एनक्रोचमेंट्स हैं उन पे नोटिसेस रेगुलरली जा रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। आज बात को लेकर रेलवे अपनी तरफ से कोई सुधार करने वाला है? खान पान को लेकर हम लोग की जांच बीच बीच में चलती रहती है, सुपर चेक्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से मेंटेन्ड है।